नराना कोचिंग क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के बारे में। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स, ऐसे सभी जितने भी छात्र हैं जिनको ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के बारे में पहले से जानकारी है, तो उनके लिए आज बहुत कुछ नया सीखने को इस वीडियो से मिलेगा। या ऐसे स्टूडेंट जिनके ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के बारे में नहीं पता है, उनके लिए हमारा आज का वीडियो ये बहुत ही खास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी कंपटीशन के एग्जाम देते हैं तो हमें ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन से कोई ना कोई टॉपिक या कोई ना कोई क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है और इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पानी में ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या चीज है। तो देखिए, जब हम पानी का ट्रीटमेंट करते हैं तो पानी का ट्रीटमेंट करने के लिए जो हमने सबसे पहले इनटेक किया, स्क्रीनिंग किया, पानी का एयरेशन किया, सेडिमेंटेशन किया, फिल्ट्रेशन किया। अब फिल्ट्रेशन करने के बाद जो हमें पानी प्राप्त हुआ है, हमें पता चला कि उसके अंदर वो पानी दूषित है और उसके अंदर रोगाणु उपस्थित हैं। यानी कि उस पानी को अगर यूज किया जाएगा तो पानी हेल्थ के लिए हमारा कैसा होगा, हार्मफुल होगा। तो पानी का वह प्रोसेस जिसमें उपस्थित जितने भी हमारे रोगाणु हैं उनसे पानी को रोग मुक्त करना, यानी जो रोगाणु मुक्त करना पानी का, क्या वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डिसइंफेक्शन कहलाता है। यानी पानी का वह प्रोसेस जिसमें पानी में उपस्थित जितने भी हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया हैं या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित हैं उनको, पानी इसको दूर करना हमारा क्या कहलाता है, डिसइंफेक्शन कहलाता है। तो डिसइंफेक्शन करने के लिए पानी के अंदर हमें अलग अलग टाइप के हमारे पास प्रोसेस हैं जिससे पानी को हम रोगाणु मुक्त कर सकते हैं, जितनी बैक्टीरिया हैं हार्मफुल उन्हें हम दूर कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रोसेस है क्लोरीनेशन। यानी अगर क्लोरीन द्वारा हम रोगाणु मुक्त पानी को करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्लोरीनेशन प्रोसेस, यानी क्लोरीनीकरण। दूसरा, हमारे पास बहुत सारे और भी मेथड हैं जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर द्वारा जिसे हम हाइपोक्लोरीनेशन कहते हैं, बाई पोटेशियम परमैंगनेट जिसे हम बाई KMnO4 द्वारा भी हम रोगाणु मुक्त पानी को कर सकते हैं, और क्लोरामाइन क्या है, क्लोरीन प्लस अमोनिया के कंबाइंड फॉर्म है, इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, पानी को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, और बाई ओजोन के द्वारा भी ये प्रोसेस किया जा सकता है। तो पानी के अंदर जब हम क्लोरीन को मिलाएंगे, आज की बात क्लास में हम बात कर रहे हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के बारे में। तो आज जब हम पानी के अंदर क्लोरीन मिलाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पानी के अंदर जैसे क्लोरीन मिलाई तो प्रैक्टिकली देखा यह जाता है कि इसके अंदर से क्लोरीन गायब। क्या हुआ, पानी क्या पानी क्लोरीन को खा गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। पानी के अंदर जो दूषित पानी है उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, कुछ रोगाणु हैं, तो वो क्या करते हैं, जो क्लोरीन क्या करता है उनको मारने के लिए या उनको हटाने के लिए उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारे क्लोरीन क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है, तो हमें क्लोरीन देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इस डायग्राम के थ्रू हम बहुत ही आसानी से पूरा ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का, यानी इसको हिंदी में कहते हैं भंजक बिंदु क्लोरीनीकरण, बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है यहां पर। इस ग्राफ में जैसे जो जो क्लोरीन है हमारा, एक कोई बीकर है, इस बीकर में हम दूषित पानी जिसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, कुछ हमारे बैक्टीरिया हैं, उन्हें हमें क्लोरीन द्वारा ऐड करके उन्हें हटाना है। तो जैसे ही पानी में हम क्लोरीन मिलाएंगे तो क्या होगा, इस ग्राफ द्वारा हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से O से लेके मैंने ये X एक्सिस तक एक डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है, और O से लेके Y एक्सिस पर ये बनाया। तो O X एक्सिस जो हमारी है, यानी O से लेके X तक जो लाइन हमें इंडिकेट क्या करेगी, जो क्लोरीन हमें अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा, O से लेके Y तक की जो लाइन है हमें क्या इंडिकेट करेगी कि उसके अंदर जब हम क्लोरीन डाल रहे हैं तो क्लोरीन कितनी मात्रा में बच जा रही है आफ्टर कॉन्टैक्ट पीरियड, यानी कॉन्टैक्ट पीरियड में ही जितना हमने जैसे क्लोरीन अप्लाई की तो क्लोरीन पानी में गई और उसके बाद हमने देखा उसके अंदर कितनी रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा हमारी है, अवेलेबल है। तो ये जो ओ वाई लाइन है हमें रेजिडुअल क्लोरीन के बारे में जानकारी देगी। तो जैसे ही हम पानी के अंदर क्लोरीन मिलाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो ओ से लेके पी तक की स्टेज है, इसमें पानी में ऑलरेडी जो आयरन और नाइट्रेट्स उपस्थित होते हैं। देखिए, जैसे ही पानी में हमने यहाँ से लेके यहाँ तक क्लोरीन मिलाई, लेकिन रेजिडुअल तो कुछ नहीं बचा, यानी पानी की सारी, पानी में तो क्लोरीन हमारी जीरो है, कहाँ चली गई सारी की सारी, बिल्कुल यहाँ से समझेंगे हम, जो यहाँ से हमने क्लोरीन, यहाँ से यहाँ तक क्लोरीन की मात्रा जो हमने मिलाई थी, अप्लाई की थी क्लोरीन, वो अभी तक हमें रेजिडुअल क्लोरीन के बाद कुछ नहीं मिला। इसका मतलब क्लोरीन चली कहाँ गई सारी की सारी। जो पानी में उपस्थित होते हैं, यानी फर्स्ट स्टेज में क्या करती है क्लोरीन, जो पानी में आयरन और नाइट्रेट्स उपस्थित होते हैं उनको ऑक्सीडाइज
कर देती है और क्लोरीन की मात्रा हमारी खर्च हो जाती है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक कि जोन में कोई भी हमें फर्स्ट स्टेज में रेजिडुअल क्लोरीन देखने को नहीं मिलती है। अगली आगे की बात करें तो अब आगे आता है हमारा सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, देखिए सबसे पहला स्टेज हम यहाँ पर क्लियर करते चलते हैं साथ के साथ। जो स्टेज फर्स्ट है ओ से लेके पी तक का, इसमें हमारी रेजिडुअल क्लोरीन बहुत ही कम या फिर ना के बराबर होती है। कहाँ चली जाती है, आयरन और नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज करने में हमारी क्लोरीन की मात्रा खर्च हो जाती है। अगला हमारा क्या है, जैसे ही हम और पानी में क्लोरीन मात्रा मिलाएंगे तो क्लोरीन की मात्रा हमारे 45 डिग्री पर हमें रेजिडुअल क्लोरीन बचनी चाहिए थी, जितनी मिला रहे हैं हम उतनी बचनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता अब भी। यानी रेजिडुअल क्लोरीन हमारी 45 डिग्री पर ना मिलके हमें पानी में रेजिडुअल क्लोरीन मिलती है लेकिन कम मात्रा में मिलती है। तो हमारा ग्राफ जो जा रहा है 45 डिग्री पर ना जाके हमारा 45 डिग्री से कम की तरफ, हमारा इस तरीके से ग्राफ हमारा जा रहा है। तो P से लेके Q तक की अगर हम बात करें तो स्टेज सेकंड में P से लेके Q तक क्या होता है, जो पानी के अंदर सबसे पहले क्लोरीन ने क्या किया, आयरन और नाइट्रेट्स को ऑक्सीडाइज कर दिया, खत्म कर दिया। अब पानी के अंदर अगली बारी है कि जो P से लेके Q तक में इसकी रेंज में जो पानी में बैक्टीरिया उपस्थित है उनको पानी में बैक्टीरिया जो क्लोरीन क्या करेगी, बैक्टीरियाओं को मारेगी, उसमें खर्च होगी। तो P से लेके Q तक बैक्टीरिया किलिंग होती है और उसके साथ साथ जो हमारे क्लोरो ऑर्गेनिक जो पानी में क्लोरीन पानी में उपस्थित जितने कंपाउंड्स हैं कंपाउंड बनाने लगती है, तो क्लोरामाइन और क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देती है पानी में जब हम क्लोरीन को मिलाते हैं। तो सेकंड स्टेज में हमारी रेजिडुअल क्लोरीन मिलती है लेकिन कम मात्रा में, यहाँ बहुत कम थी यहाँ कुछ मिल रही है। तो सबसे पहले स्टेज में तो बहुत ही कम थी, अब हमें कुछ रेजिडुअल क्लोरीन यानी शेष क्लोरीन हमें कुछ मिल रही है, जितनी हम अप्लाई कर रहे हैं उतनी नहीं मिल रही, 45 डिग्री पे मिलनी चाहिए थी लेकिन उतनी ना मिलकर थोड़ी सी कम मिल रही है, लेकिन मिल रही है हमें। तो बैक्टीरिया कहाँ जा रही है, जो हमें थोड़ी कम हो रही है रेजिडुअल क्लोरीन, तो बाकी कहाँ जा रही है, तो बाकी जा रही है बैक्टीरिया किलिंग के लिए और क्लोरो ऑर्गेनिक और क्लोरामाइन जो कंपाउंड बन रहे हैं उनके लिए हमारी क्लोरीन की मात्रा खर्च हो रही है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर क्यू पॉइंट पर पहुँचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पानी के अंदर से एक स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब क्यू पॉइंट वो इंडिकेशन पॉइंट है जहाँ पर जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म हुए हैं उनका भी क्लोरीन ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट कर देती है। तो क्यू पॉइंट पर बैड स्मेल यानी क्यू पॉइंट पर बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, यानी बैड स्मेल स्टार्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ऑक्सीडेशन यहां पर स्टार्ट हो चुका है, किसका, जो हमारे क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां से लेके यहां तक बने थे या क्लोरामाइन वगैरह हमारे बने थे। तो क्यू पॉइंट पर बैड स्मेल स्टार्ट हो जाती है और ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन भी स्टार्ट हो जाता है, जो ऑर्गेनिक मैटर हमारे फॉर्म हुए हैं क्यू पॉइंट तक उनका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए P से Q तक क्या क्या हुआ है, एक तो बैक्टीरिया किलिंग हुई है और दूसरा क्लोरो ऑर्गेनिक और क्लोरामाइन बनते हैं यहां तक, दूसरा Q पॉइंट से हमारा ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और धीरे धीरे हम देखते हैं कि क्लोरीन की मात्रा कम होने लगती है। यहां तक तो हमारी जा रही थी, अब क्लोरीन की मात्रा हमारी कम होने लगेगी। कहां जा रही है, क्लोरीन की मात्रा कम क्यों हो रही है, जबकि हम तो लगातार अप्लाई करते जा रहे हैं, तो क्लोरीन की मात्रा खर्च हो रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीड के लिए। और हमारी देखो मैंने एरो डाउन की तरफ लगा रखा है, इसका मतलब ये है कि क्लोरीन की मात्रा हमारी कम होती जा रही है, रेजिडुअल क्लोरीन हमें नहीं मिल रही, वो लगातार कम होती जा रही है। अब क्या होगा, अचानक हमें एक ऐसा तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि एस पॉइंट पर जब हम पहुंच जाएंगे तो एस पॉइंट पर हमारा ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो चुका होगा और स्मेल आना बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर एस पॉइंट ही क्या कहलाता है, हमारा ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कहलाता है। तो ये पूरी प्रोसेसिंग थी एस पॉइंट, यानी हमारा कौन सा है, ब्रेक पॉइंट कहलाता है। अब आपको इसमें समझना क्या है कि अब आप देखिए यहाँ पर ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का वो पॉइंट होता है। अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का वो पॉइंट है जिसके बाद क्लोरीन ऐड की जाए, यानी अब अगर इस पॉइंट के बाद पानी में और क्लोरीन हम अप्लाई करेंगे तो हमें वो सारी की सारी क्लोरीन किस फॉर्म में मिलती जाएगी, रेजिडुअल फॉर्म में, और यहाँ से 45 डिग्री पर हमारा ये ग्राफ चलेगा, यानी जितनी क्लोरीन हम मिलाएंगे वो रेजिडुअल क्लोरीन की फॉर्म में मिल जाएगी। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि ब्रेक पॉइंट क्या है,
क्लोरीनेशन है, ब्रेक पॉइंट क्या है? तो ब्रेक पॉइंट वह पॉइंट है जिस बिंदु के बाद अगर क्लोरीन पानी में ऐड की जाए और सारी की सारी क्लोरीन रेजिडुअल फॉर्म में आने लग जाए तो उसे हम कहते हैं रेजिडुअल फॉर्म में आने लग जाए तो उसे हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट। और ब्रेक पॉइंट पर जो हमारी जहां तक हमारी क्लोरीन से होते हैं उसे हम ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कहते हैं। दूसरा सॉरी दोबारा से एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन वह बिंदु है जिसके बाद पानी में क्लोरीन और ऐड की जाए तो सारी की सारी क्लोरीन हमारे कहाँ मिल जाए, हमें रेजिडुअल फॉर्म में मिलती है यानी अवशेष फॉर्म में मिले तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रेक पॉइंट कहते हैं। अब ब्रेक पॉइंट तक जो हमने क्लोरीन प्रोवाइड की है वो किस फॉर्म में हमारी कहाँ चली गई है, तो ब्रेक पॉइंट तक हमने क्लोरीन लगातार ऐड की है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्लोरीन हमारी कहाँ कहाँ खर्च होती है। देखिए जो सबसे पहली स्टेज थी आयरन एंड नाइट्रेट, इसमें हमारी बहुत ही नाके बराबर होती है, लेकिन जो मेन हमारा मेनली जो क्लोरीन कंज्यूम होती है, जो खर्च होती है वो होती है बैक्टीरिया किलिंग और ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे और बैक्टीरिया मरे थे और यहां से आता ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारा क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था। तो ब्रेक पॉइंट तक हमारी जो क्लोरीन मिलाई गई है वो कहां कहां खर्च हुई है, एक तो बैक्टीरिया किलिंग में और ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन में हमारी खर्च होती है। तो इस पानी के अंदर क्या क्या चीज़ थी, बैक्टीरिया थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह बने और उनको ऑक्सीडाइज हुआ, तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन हमारा वो पॉइंट है जिसके बाद अगर हम पानी के अंदर क्लोरीन और ऐड करते जाएं तो सारी की सारी हमें रेजिडुअल फॉर्म में मिलती है, उस पॉइंट को हम ब्रेक पॉइंट कहते हैं। और ब्रेक पॉइंट तक जो भी क्लोरीन ऐड की गई है वो बैक्टीरिया किलिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे उनके ऑक्सीडेशन वगैरह में हमारी क्लोरीन खर्च होती है। तो ये पूरे हमारे एस पॉइंट को ब्रेक पॉइंट कहते हैं, एस पॉइंट पर हमारा ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो ये था हमारा ब्रेक पॉइंट। इस ब्रेक पॉइंट के बाद आता है हमारा अगला सुपर क्लोरीनेशन, तो उससे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सुपर क्लोरीनेशन के बारे में। तो आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएं, और जितने भी लेक्चर्स मैं पहले बना चुका हूं आप देख सकते हैं सारे लेक्चर, मैंने पूरी एक सीरीज तैयार कर दी है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर की, फिल्ट्रेशन डिसइंफेक्शन हमारा चल रहा है, इसके बाद हम बात करेंगे सॉफ्टनिंग या डिसेलिनेशन के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ये लेक्चर देख रहे हैं अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को ऐड करें, उनको लिंक सेंड करें ताकि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो और हमें थोड़ा सा जितने भी स्टूडेंट्स हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें तो सभी स्टूडेंट्स को हम जो बेनिफिट पहुँचाना चाहते हैं वो मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।